नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके पास वीवो का फ़ोन है और आपका फ़ोन अगर लैग करता है, हैंग करता है, तो आप स्टोरेज एंड रैम क्लीन कैसे कर सकते हैं या मोबाइल को बूस्ट कैसे कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं, ईच एंड एवरीथिंग। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आई मैनेजर नाम का एक एप्लीकेशन होता है, उसको ढूंढना होगा। अगर नहीं मिल रहा है तो बीच में आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है, तो सर्च का ऑप्शन आ जाता है, तो इसमें आपको डालना है आई मैनेजर। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पे इसके बाद ऑप्शन आता है स्पेस क्लीनअप का, तो स्पेस क्लीनअप पे आपको क्लिक करना है। और स्पेस क्लीनअप पे जैसे ही क्लिक करोगे, अवेलेबल स्पेस यहाँ पे दिखाया जाएगा और क्लीनअप ऑल पे यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे जैसे कि मैंने डाल दिया, और 1.79 GB का यहाँ पे जंक यूजलेस APK आधार डाटा यहाँ पे है, तो जो ट्रैश फाइलें होती हैं वो यहाँ पे क्लीन होगी, आपका ओरिजिनल डेटा कोई भी डिलीट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्लीनिंग मेरी स्टार्ट हो रखी है, और इससे क्या होगा कि आपका स्टोरेज यहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगा, मतलब स्टोरेज यहाँ पे आपका खाली हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि क्लीनअप के साथ ही मेरा अवेलेबल स्पेस बढ़ चुका है। ओके, अब देखिए इसके बाद आपको यहाँ पे क्विक क्लीनअप का ऑप्शन आता है, लार्ज फाइल क्लीनअप का ऑप्शन आता है, तो क्विक क्लीनअप पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, इसके बाद क्लियर नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ऐप्स आपने अनइंस्टॉल कर रखे हैं, जिसके डेटा की ज़रूरत नहीं है, केच फाइल वगैरह, ये सारा यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो ये भी स्टोरेज के रिगार्ड्स था। अब देखिए लार्ज फाइल क्लीनअप का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे फाइल होते हैं जो आपके मोबाइल में पड़े हुए होते हैं, जिसका यूज आप नहीं करते हो, और वो फाइल की वजह से स्टोरेज फुल होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जो सबसे बड़ा फाइल होगा वो ऊपर शो करेगा, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके मैनुअली डिलीट कर सकते हो। जैसे कि ये एप्लीकेशन है तो यहाँ पे मैं डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं डिलीट नहीं करूँगा। तो स्टोरेज आप यहाँ पे इस तरह से क्लीन कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको व्हाट्सअप लाइन या फिर फोटो क्लीनअप या वीडियो क्लीनअप या ऑडियो डुप्लीकेट फाइल्स का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास डुप्लीकेट फाइल पड़ी हुई है, फ़ोटो क्लीनअप करना चाहते हो, तो इसमें भी जा करके आप ऐसे क्लीन करके, ऐसे क्लिक करके फ़ोटो सेलेक्ट करके आप क्लीन कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे वन टच ऑप्टिमाइजेशन पे जाना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप करोगे, थोड़ा सा समय लगता है, और इसके बाद आपकी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, डेटा मॉनिटर या क्लीनअप एक्सेलरेट, आपका फ़ोन एक तरह से एक्सेलरेट हो जाता है, फ़ोन हैंगिंग वैंगिंग की समस्या ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो अब देखिए रिकमेंडेशन ऑप्टिमाइजेशन आपको दिया जाता है, जैसे कि स्कैन वायरस, चेक फॉर वायरस एस्टिमेट, जैसे कि यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं रिकमेंडेशन के तौर पे, तो आपको ये कर लेना है। जैसे कि चेक एंड रिमूव, तो इसको आप चेक कीजिए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी डिटेक्शन मेरा सेफ हो चुका है और सिक्योरिटी प्रोटेक्शन डेटा मेरा यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप फोटो क्लीनअप या फिर ऐप क्लीनअप या फिर कोई और क्लीनअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा, ये काम मेरा हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे जितनी भी रिकमेंडेशन आपको की जाती है सबको बारी बारी से कर लेना है, इसके बाद आपको डन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फ़ोन ऑप्टिमाइज हो चुका है और आपकी जो लैगिंग की समस्या है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने आपका फ़ोन ऑप्टिमाइज कर दिया है, और फिर भी कोई दिक्कत होती है, कोई क्वेरी होती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इसकी डेप्थ वीडियो भी मैंने बना रखी है, तो आप उन वीडियो को भी जा करके देख लीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।